वाओ जीत घंटा हो गया यार, तुम लोग रिवाइव हुए पड़े हुए आ नहीं रहे हो। इतना तो देखो ना कम से कम कि बंदे आ रहे हैं, हम आ जाए, हम निकल गए, तुम लोग वहीं के वहीं बैठे हुए। आजो दोस्तों, आज बेईमानी भी ईमानदारी से करते हैं। हाँ मेरी बात सुनो, अगर मैं आगे बात करूंगा ना, मेरी बात सुनो, बकवास मुझे सुन लो ना भाई। जब मैं आगे उनको बोलूंगा कि भाई ये स्ट्रीम स्नाइपिंग करके आए या ऐसे कुछ करके आए ना, ठीक है, अब उन्होंने मुझे बोलना है कि भाई तुम लोगों के टीममेट ने फायर किया है ना। अगर आना भी था तो उन्होंने घरों में आना था, रिज भी क्यों आ रही है भाई। पहले आके रिज भी तरीके से रुके, देखा है भाई, उनको पता था कि इधर इधर बैठे हैं, फिर उन्होंने जानबूझ के बगी घुमाई है ना कि भाई ये हम पे फायर कर देता कि हम कब बोल सके। अस्सलाम वालेकुम मसदोमा फैमिली, तो कैसे हो, क्या हाल चाल है आप लोगों के। स्ट्रीमर ने हमें स्ट्रीम स्नाइपर बोल के हमारे किरदार पर चार चांद तो लगा दिए थे, लेकिन अब देखने की बात सिर्फ ये थी कि इन इल्ज़ामात के पीछे कितना सच छुपा था, कितना झूठ, और क्या हम इतने घटिया हो चुके हैं कि हम स्ट्रीम स्नाइप करेंगे। और जवाब था हाँ के अंदर। एक नॉक करते ही हमने पुश करने का फैसला किया। ये हमारे लिए जानलेवा तो साबित हो सकता था, लेकिन इसके पीछे लालच छुपी थी जो कि सिर्फ किल्स की हवस थी, और उसको पूरा करने के लिए हम सदियों से बेताब थे। हमने इनके दो टीममेट्स पर अपना कहर बरसा दिया था, और हमारे इस कहर को दूर से खड़े इनके बाकी दो टीममेट्स भी देख रहे थे। और इस कहर को मद्देनजर रखते हुए इनके दो टीममेट्स ने अपने कदम पीछे हटाने का फैसला किया, जो कि कहीं हद तक ठीक भी था, लेकिन तब तक हमारे अंदर वहशियत पूरे तरीके से भर चुकी थी और हम बेहिस, घटिया और लालची हो चुके थे, जिसकी बिना पे हमने अपने घटिया फैसले को आगे रखने का फैसला किया और इनकी सांसों को रोकने का। मेरे पे नहीं ड्राइविंग कर रहे हैं लोग, करने दो पहले इनको। मैं मेरा रेड आप पे नहीं है। यार वही है ना, मैं इसलिए बीस्ट को समझा रहा था लेकिन वो समझते ही नहीं यार। चल चल करो करो नेट करो, परफेक्ट नेट है। लोकेशन बता रहा था कि फायर ना कर, ये बंदे कुछ मस्ती करके आए ना यार। अगर इस मस्ती से इस तरीके से तुमने गेम खेलना किंग और तुम दोनों ने, तो भाई सीधी बात कर दे फिर, मैं भाई टीम चेंज कर लूं। मैंने जैसे कहा ना कि गाड़ी पे बैठो, हम दोनों गाड़ी में बैठ के आपके पीछे आए हैं, लेकिन वो बच्चे स्प्रे आ गया, उन्होंने चलती भी गाड़ी उतार दी हमें, हम दोनों को। इसको मैंने बोला पहले ही मेरे पास आ जाओ, साथ हो जाओ और मत कर फायर, मत कर, ताकि हमें पता चले ना ऐसे ये हमें मार दे तो हम बोल सकते कि हाँ भाई। हाँ मेरी बात सुनो, अगर मैं आगे बात करूंगा ना, मेरी बात सुनो, बकवास मेरी सुन लो ना भाई। जब मैं आगे उनको बोलूंगा कि भाई ये स्ट्रीम स्नाइपिंग करके आए या ऐसे कुछ करके आए ना, ठीक है, अब उन्होंने मुझे बोलना है कि भाई तुम लोगों के टीममेट ने फायर किया है ना,
अब अगर तुम फायर ना करते तो मैं उनको बोलता कि ये पहले आए रिज पे आए, फिर रिज भी ये क्या कर रहे हैं मतलब रुक के, तुम मुझे ये बता। अगर आना भी था तो उन्होंने घरों में आना था, रिज भी क्यों आ रही है भाई? पहले आके रिज भी तरीके से रुके, देखा है भाई, उनको पता था कि इधर इधर बैठे हैं, फिर उन्होंने जानबूझ के बगी घुमाई है ना कि भाई ये हम फायर करते ताकि हम कब बोल सके। अभी मैंने भी उसको पीवी मंगाना है ना बंदे का जो रिज पे आया था। इन सब हालात को मद्देनजर रखते हुए एक बात तो साफ हो गई थी कि ड्रैगन ने स्ट्रीम स्नाइप की थी और नासिर भाई का भी वो साथ जायज था, और ड्रैगन ने सिर्फ स्ट्रीम स्नाइप मजे के लिए की थी, ना कि किसी का दिल दुखाने के लिए। बाकी यार दिल से माजरत, जिन जिन बंदों का दिल दुखा है वो मजे के लिए जस्ट की गई थी फॉर फन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब लाजमी कर देना।